Alright my friends, now let's just talk about proposal number 2. Okay, if you want to become a registered practical nurse in Ontario, then you need a minimum education which is diploma. Or diploma means GNM from India. So, पहले क्या था कि कुछ certifications के साथ है ना, कुछ लोग जैसे midwifery हो गया, ANM हो गया, उस certificate के साथ भी NNAS को apply कर देते थे. And sometimes, you know, if the luck is with you, कई बार ये आपको RPN की eligibility मिल जाती थी. पर अब ऐसा नहीं होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन GNM होगी, वो आपके credentials evaluate करेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आपको RPN की eligibility मिलेगी या नहीं मिलेगी. और same चीज एजुकेशन वो आपको कहने को कह सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंसी दे माइट वॉन्ट यू टू डू सम काइंड ऑफ कोर्स टू बिकम इक्विवेलेंट. पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हियर इन कैनेडा. सो वो कैनेडियन लोग पैनिक ना करें जिन्होंने यहां से नर्सिंग की है, आप लोग सेफ हैं. बट मैं सिर्फ इंटरनेशनल एजुकेटेड नर्सेज की बात कर रही हूं. आइए अगले पार्ट में हम बात करते हैं प्रपोजल नंबर 3 की.